नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उनके चाहने वालों का भी संकल्प पूरा हो रहा है। भोपाल के रहने वाले 3 बाइक राइडर्स ने संकल्प लिया था कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो वे स्वच्छता का संदेश देते हुए भोपाल से जम्मू कश्मीर तक की 5000 किलोमीटर लंबी यात्रा करेंगे। भोपाल के रहने वाले 3 बाइक राइडर्स ने संकल्प लिया था कि जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये तीनों बाइक राइडर्स स्वच्छता का संदेश देते हुए भोपाल से जम्मू कश्मीर तक 5000 किलोमीटर लंबी यात्रा करेंगे। बुधवार को अपना संकल्प पूरा करने के लिए तीनों बाइक राइडर भोपाल से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए। अपनी यात्रा के 15 दिन के सफर में कई प्रदेशों के प्रमुख धार्मिक स्थलों को दर्शन करते हुए जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर पहुँचे। तीनों राइडर्स का मानना है कि पीएम मोदी की वजह से ही देश का मान विश्व में ऊंचा हुआ है। मोदी सरकार ने देश भर में जो आधुनिक तकनीक के साथ सड़कों का निर्माण करवाया है उससे उन्हें बाइक राइडिंग में अब परेशानी नहीं होती। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में कई अन्य कार्य करेंगे जिससे देश विश्व गुरु बनकर उभरेगा। यह यात्रा मोदी जी के उपलक्ष्य में हो रही है। जैसे कि मोदी जी का सपना था श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा लहराने का, वैसे ही 140 करोड़ देशवासियों का सपना था कि तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उसी उपलक्ष्य में हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं जो कि ये 5000 किलोमीटर की रहेगी। भोपाल से मनाली, लद्दाख, कारगिल, श्रीनगर होते हुए माता वैष्णो देवी पर हम लोग यात्रा तय करेंगे। हम लोग भोपाल से निकलेंगे, हम लोग श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह, ये पूरे एरियाज कवर करेंगे जितने हमारे मेन एरियाज हैं। लाल चौक भी डेफिनेटली हमारा जाना होगा। और इस बार ऐसा है कि अभी फिलहाल गर्मी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ठंड की पूरी यात्रा करके सारी जगहों को कवर करेंगे। और मैं ब्लॉग्स भी बनाता हूँ, मैजिशियन एडी नाम से चैनल है जहाँ पे मैं सारे देश में काफी जगह की यात्रा कर चुका हूँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ वगैरह सारी काफी जगह, अयोध्या। अभी हमारा मेन उद्देश्य ये है कि मोदी जी की जीत हुई थी तो इसी उपलक्ष्य में हमारा ये था कि जैसे उनका ड्रीम था कि हमें लाल चौक पे तिरंगा लहराना है तो मेरा भी ये ड्रीम था कि पूरे इंडिया की यात्रा करनी है। तो इस बार लेह लद्दाख हम लोगों ने चुना है जिसमें माता वैष्णो देवी के भी हम लोग दर्शन करेंगे, तो धार्मिक यात्रा भी रहेगी और देश की भी यात्रा रहेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।